कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी है जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल सकती हैं। तो चलिए इस कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, काफी समय पहले की बात है, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वो मन ही मन में अपने आप को बोल रहा था कि ये कितनी अच्छी और सुंदर जगह है, अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते। मतलब ब्लेम कर रहा था कि ये होता तो वो होता और वो होता तो शायद ऐसा होता। अल्लाह देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा, यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफ़ी देर तक विचार करता रहा खुद से, फिर उसके बाद उसको वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। उसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का इंतज़ाम नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी भी है, अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वो सुविधा मिल जाए तो क्या आप परिस्थिति को बदल सकते हैं। मेरे भाइयों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियाँ बदले और आपको अगर उसके लिए कोई सुविधा मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान तो दे ही सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप अपना योगदान ज़रूर देंगे। मेरे भाइयों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी मज़ीद कहानियाँ मिलती रहे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।